एक अपने अड्डे पे ले आई छुपा के, एंड देन मुझे कुर्सी से बांध दिया। बट लकीली परम भैया ने एडमिट कर लिया, कन्फेस कर लिया अपना सारा क्राइम कि वो PRF। आपने धोखा दिया है हमें, देश को, एकेडमी को। परम भैया वाज नॉट कन्विंस्ड एंड एंड में करण को उन पर गोली चलानी पड़ी। बेसिकली जो हमारा प्लान है वो एक हद तक सक्सेसफुल हो गया बिकॉज परम भैया ने एडमिट कर लिया, कन्फेस कर लिया अपना सारा क्राइम कि वो PRF के हेड हैं और उन्होंने ही ये सब कुछ करवाया था, और बाकी सारी चीज़ें सारी की सारी उन्होंने ही करण को मरवाने की कोशिश की और मरवाया। तो सारी चीज़ें परम भैया ने कन्फेस तो कर लिया, लेकिन इससे पहले कि उन्हें अरेस्ट किया जाता उन्होंने मुझे हॉस्टेज बना के वो एक अपने अड्डे पे ले आए छुपा के, एंड देन मुझे कुर्सी से बांध दिया। बट लकीली करण ऑब्वियसली आ गया बिकॉज ही करण, अगर परम भैया स्मार्ट है तो करण इज़, करण भी परम भैया का भाई है। तो वो आ गया एंड देन बहुत कन्विंस करने की कोशिश की परम भैया को कि ये जो आप कर रहे हो वो गलत है। एंड इनफैक्ट परम भैया ने भी अपने अपनी साइड ऑफ स्टोरी सुनाई कि क्यों वो देश से अब इतनी नफ़रत करते हैं और ये अपनी एकेडमी से इतनी नफ़रत क्यों करते हैं। तो बेसिकली ही वॉज नॉट जस्टिफाइड बिकॉज बाद में पता ये चलता है कि जो टेररिस्ट है उन्होंने परम भैया को मैनिपुलेट किया था और सारी स्टोरी जो है उनके मरने की ये सारी चीज़ें उन्होंने ये सारी चीज़ें फ्रेम की थी। बट समहाउ परम भैया वॉज नॉट कन्विंस्ड एंड एंड में करण को उन पर गोली चलानी पड़ी। मैं फिलहाल मैं तो बहुत डरी हुई थी ऑब्वियसली, एंड आई ऑल्सो वॉन्टेड कि परम भैया कहीं ना कहीं मान जाए, एंड ही इज डेफिनेटली डेंजरस, वो बात मनामी जानती है बिकॉज उन्होंने अपनी वाइफ एंड अपनी बेटी को नहीं छोड़ा, तो ऑब्वियसली मुनामी को क्यों छोड़ेंगे। बट देन ही इज़ वेरी डेंजरस, बट स्टिल शी हैड होप्स कि करण कन्विंस कर ले तो शायद परम भैया मान जाए, ही वोंट किल मुनामी। बट ही वॉज ऑलमोस्ट अबाउट टू किल मुनामी जब करण ने उन पर अटैक कर दिया। एक्चुअली करण ने भाई को मारा बिकॉज ही वॉज अगेंस्ट द कंट्री, और करण हमेशा कहता है कि देश से बढ़कर और कुछ भी नहीं है, एक कमांडो के लिए, एक ऑफिसर के लिए उसके देश से बढ़कर कोई भी नहीं है, और एक आतंकवादी तो बिल्कुल भी नहीं है। एंड राइट नाउ करण के सामने जो इंसान खड़ा है वो उसके भैया नहीं, वो आतंकवादी है, और सारे आतंकवादियों के साथ इक्वली ट्रीट किया जाएगा, उनको वैसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे बाकी आतंकवादियों को ट्रीट किया जाता है। फाइनली बहुत मेहनत लगी, काफ़ी टाइम से हम ये प्लान कर रहे थे मुनामी और करण, एंड देन इवेंचुअली सिड एंड बाकी सब लोग भी इस प्लान का पार्ट बन गए थे, एंड हमने एक स्किट प्रिपेयर किया जिसके थ्रू हमने परम भैया को बताने की कोशिश की, एंड देन प्रोग्राम रखा बेसिकली उनके लिए, बट हमारा जो प्लान है वो सकता, और कैमराज फिट किए थे हमने ताकि जब ये सारी चीज़ें हों तो हम उन्हें रिकॉर्ड कर सकें, बिकॉज वही एक लास्ट रास्ता बचा था हमारे पास उन्हें उनसे कन्फेस करवाने का और उन्हें उस तरह से पनिशमेंट दिलवाने का, अदरवाइज़ हमारे पास और कोई प्रूफ था नहीं। सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इट्स नॉट सेफ। इट्स ओके शेखर, आई एम फाइन। परम जानते हो तुम, जहां से तुम गायब हुए हो, जिस दिन गायब हुए हमने उस जगह का कोना कोना चप्पा चप्पा छान मारा, एक साल तक उस जगह की निगरानी की, लेकिन तुम्हारा कहीं कोई सुराग नहीं मिला। एंड विलेम में किसी टेररिस्ट ने हमें कॉन्टेक्ट नहीं किया तुम्हारे लिए, एंड विलेम में किसी टेररिस्ट ने हमें कांटेक्ट नहीं किया, उन्होंने तुमसे झूठ बोला है परम। माय बेस्ट कमांडो परम शेरगिल, वो टेररिस्ट लोग, उसे ब्रेन वॉश करने में सक्सेसफुल हो गए,
परम, आप झूठ बोल रहे सर, झूठ रहे सर, मैं नहीं मानता। सर क्यों झूठ बोलेंगे परम भैया, और मैं आपको क्या लगा था कि आपको बुलाकर मैं जिंदगी में आगे बढ़ गया? आप मेरे लिए मेरे सब कुछ थे, मेरे दोस्त, मेरे फिलोसोफर, मेरे गाइड, मेरे आइडल, मेरे भगवान, बट द ब्रेन वॉश्ड यू भैया। आगे आपको यूज करना, वो आपको यूज करना चाहते थे भैया, क्योंकि वो जानते थे अगर आप उनसे मिल गए तो वो हद, वो आपको यूज करना चाहते थे भैया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर आप उनके साथ मिल गए तो बड़े से बड़े करते यूज करना चाहते थे भैया, क्योंकि वो ये बात बहुत अच्छी तरह जानते थे कि अगर आप उनसे मिल गए तो उनके किसी भी काम को अंजाम दे सकते हैं। भैया प्लीज सरेंडर, अगर अपने बारे में नहीं सोच रहे तो भाभी और बेबी के बारे में सोचिए, बट प्लीज आगे मत बढ़ा, आगे मत बढ़ा करण, आज और ऐसा शूटा। ओके तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये इमोशनल बातों में मैं फंसने वाला नहीं? छोड़ दीजिएगा। Yeah.